बिहार सरकार शराबबंदी के लिए कितने ही तावड़तोड़ कोशिश कर ले, लेकिन बिहार में शराब बिक्री बंद होने का नाम नहीं ले रही है। कटिहार जिले के मनिहारी के नवाबगंज पंचायत में इन दिनों शराब बेचने वालों का कहर जारी है। शराब माफियाओं से स्थानीय लोग काफ़ी त्रस्त नजर आ रहे हैं और इस बात पर स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो उन्हें उनके प्रकोप का सामना करना पड़ा। ऐसी ही एक घटना सामने आई है जिसमें रंजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने शराब बेचने वाले माफियाओं का जब विरोध किया तो उसके परिणाम स्वरूप शराब माफियाओं ने अपने समर्थकों के साथ उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और इस वारदात में उसके घर के कई सदस्य घायल भी हो गए। रंजीत सिंह बताते हैं कि इस घटना में उनके भाई बुरी तरीके से घायल हो गए हैं और उसे इलाज के लिए मनिहारी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में प्रीत रंजीत कुमार सिंह ने मनिहारी थाना में एक आवेदन भी दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नवाबगंज के वार्ड संख्या 6 एवं 7 के कुछ लोग शराब बेचने और पिलाने का काम करते हैं और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो इस विरोध के बदले में उन्होंने उनके साथ मारपीट की और उनके परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी भी की। उन्होंने बताया कि शराब बेचने वाले लोग देर रात घर में घुस गए और गाली गलौज करने लगे, साथ ही घर के कई सदस्यों के साथ मारपीट भी की। सर की हम लोग खा पी के अपना आंगन में बैठे थे, वो दोनों भाई उधर से लड़ते लड़ते आया, हमें टीम में धक्का देने लगा। वही बाहर निकले, हम बोले क्या है यहाँ पर पीखा के जीटों का टीम में धक्का देते हैं। बस इसी में वो लोग अपना जो है पिया खाया था, क्या हुआ मन में वो लोग बुला लिया, अच्छा वो बेटा को बुला के बस हमको जो है लाठी था रस से मारा कपार में, दो जगह जो है पूरा लंबा लंबा कट गया है पूरा। अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं यही कि कानून कार्रवाई करेंगे, उसके बाद वो लोग जो है बार बार दारू बेचता है, पैसा होता है, अच्छा बेटा का गमन दिखाता है वो लोग कि किसी समय। कौन दारू बेचता है? दिनेश सिंह, पुआ सिंह, सुरेश सिंह। मामला 4 घर दारू बिकता है, सबसे मेन कारण है दारू बिक्री होना। किसके घर में बिकता है? 4 घर, बुदुल सिंह, मनोज सिंह, श्याम सिंह, दिनेश सिंह, पौवा सिंह। रात में जो मारपीट हुआ कारण क्या था? कारण मेन कारण वही है, दारू बिक्री करता है, पीता है, आदमी का जमावड़ा रहता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, इसी में नंटाबाजी से मारपीट होने का कारण है। मामला यही कि दिनेश सिंह पौवा सिंह दारू बेचता है, दारू पीता है और समाज में बिक्री भी करता है। दारू पी के लगभग 10:15 अपने घर से लड़ते लड़ते मेरे दरवाजे तक आ गए, जिसमें टीम में हमारा धक्का धुक्की लगाने लगा। मेरा भाई बाहर निकला रंजीत सिंह, वो बोला कि काहे धक्का उक्का लगाते हो, बस दोनों भाई बुला के 6 बेटा को बुला के उसको रट से प्रहार कर दिया, जान मारने के नियत से किया था। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और शराब माफियाओं पर कब तक लगाम लगाया जाता है। कोसी आलोक के लिए कटिहार के मनिहारी से बंटी प्रसाद की रिपोर्ट।